हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, अभी अपना सुबह के बज गए 9 और चलने की तैयारी है पूरी। और भाई, अपना रास्ता यहाँ से 12 घंटे का है तकरीबन। और रूम अपना सारा देख लो, मैसी हो रखा भाई, लड़कों का रूम है ऐसे ही होता है देखो। और अब साहिल भाई तैयार हो गया है, अपने सोहेल भाई भी नहा रहे हैं। और व्यू इंजॉय करो एक बार, सामने व्यू भाई जबरदस्त है। वो सामने सामने वहाँ पे बर्फ भी पड़ी हुई है, रात को शायद से स्नोफॉल हुई हो पीछे अंदर किसी गांव में, हो सकती है स्नोफॉल हुई होगी, पर यहाँ तो बारिश चल रही थी। तो निकलते हैं जल्दी से जल्दी, अभी अपना ब्रेकफास्ट करना है और ब्रेकफास्ट करके फिर अपना गाड़ियाँ तैयार खड़ी हैं, स्टार्ट करेंगे एक बार और निकलेंगे फिर जल्दी से जल्दी। बोली तो उसके सो अपना खाना आ गया है। और सोहेल भाई आज तो इंग्लिश स्टाइल से चल रहा है ऑमलेट, और भाई क्या हुआ, प्लेन आए हुए हैं, ये आलू के हैं क्या? अच्छा लो आ गए। तो भाई जल्दी जल्दी करते हैं ब्रेकफास्ट यहाँ से और निकलते हैं फिर, और रास्ते का व्यू दिखाते हुए चलूंगा आपको। सो गाइस, अभी ना होटल के रूम से निकल गए हैं, ब्रेकफास्ट अपना हो गया है और निकलते हैं आप जल्दी जल्दी, भागम भाग चलेंगे। और यहाँ पे ना टायर प्रेशर वगैरह चेक करवा रहे थे सारे के सारे, ये भाई अपने खड़े हैं, ये देखो सबके टायर प्रेशर लो हुए पड़े हैं, वहाँ पे पत्थर थे, सब कुछ था। तो अब करवा दिया सब टिच पिच और निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, वी आर नियर अबाउट टू नारकंडा, और शॉर्टकट ले लिया है हमने और ऊपर गांव में से किसी में से निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पे नजारे जबरदस्त है भाई। खुशी कितनी मिली नारकंडा आने के बाद? खुशी तो मिलती है भाई, जैसे जैसे घर पास आ रहा है तो वैसे वैसे खुशी मिल रही है भाई। नहीं, और पेड़ हाँ भाई, पेड़ भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो वहाँ तो ऑक्सीजन का थोड़ा सा मसला था, सांसें लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ रही थी। जंगल में आ गए हम। अब देखो ये देखो व्यू, देखो भाई व्यू देखो जबरदस्त। और ये रास्ता मैंने पहली बार देखा है, कैसा रास्ता है पता नहीं। और ब्रदर मोड कैसे हैं? और अपनी एडिटिंग चल रही है पिछले व्लॉग की, मोड भी ऐसे ही है भाई, ऐसे ही होते हैं भाई। ये देखो भाई, यहाँ नारकंडा से पहले कुफरी में भी हमें बर्फ मिल गई है। देखो एक हफ्ता हो गया भाई हमें बर्फ देखते देखते, हमारा मन भर गया है बर्फ से, आंखों में अब तो घर आंखों में चुभ रही है भाई बर्फ। अब चलते हैं सीधा घर, जहाँ जहाँ रुकेंगे दिखाएंगे आपको। अगर भाई किसी की रील आ भी जाएगी ना आगे, नूं हटा दूंगा बर्फ में तो बर्फ नहीं देखनी पड़ी भाई, बर्फ नहीं देखनी भाई, तो हमें सिर्फ रेत देखना, हम राजस्थान जाएंगे भाई। यहाँ हिमाचल का कुछ फेस्टिवल हो रहा है, कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था हिमाचल का नारकंडा में, बढ़िया भाई। कोई है? हर किसी का कोई अच्छा प्रोग्राम होता है ऐसे कल्चरल। देखो जी, अभी हम पहुंच गए हैं कुफरी के नियर अबाउट हैं, शिमला पहुंचने वाले हैं। यहाँ भी बर्फ पड़ी हुई है, बस स्नोफॉल नहीं दिख रही हमें, और सब कुछ दिख रहा है, स्नोफॉल हुई है वहाँ पे, रात को स्नोफॉल हुई है काजा में। मतलब हमारी किस्मत तो यार, जब वही बात है कि भाई किस्मत में लिखे होंगे पकौड़े तो क्या मिलेंगे, वही बात है। वहाँ गए थे काजा में कुछ नितिन भाई अपने जो उनसे मिले थे दिल्ली वाले, उन्होंने सुबह भेजा भाई, दिल्ली वालों ने भेजा स्टेटस, उसमें उनका क्या था कि बर्फ पड़ी हुई थी सारी की सारी,
अब क्या करें हम यार, हमारी किस्मत में नहीं है भाई, हमारे बर्फ तो थी लेकिन हल्की थी, हल्की थी बहुत ज्यादा। हाँ, और हमने चीज बारी और हम ऐसे ही रुक नहीं सकते थे। सो गाइस अभी यहाँ पे खाया था खाना वगैरह, चाय वगैरह पी थी। और ये देखो कितने गंदे लोग हैं, ये सारा खाना वेस्ट करके चल रहे हैं। कितने गंदे लोग हैं, सारा खाना वेस्ट करके आ गए हैं ये। तो भाई चलते हैं अब यहाँ से, निकलते हैं लगातार चलेंगे अब तो। मैं अभी गेन करने हैं सब्सक्राइबर आपने, है ना? ओके मैं भी करूंगा सर सब्सक्राइब चैनल। हाँ जी जरूर। सो गाइस अभी ना यहाँ के लोकल लोगों ने हमें रोका है, और भाई यहाँ पे रिकवरी के लिए रोका हमें। इनकी गाड़ी जो है ना यहाँ से घिसट के नीचे चली गई है, तो भाई अभी सारा ट्रैफिक रुकवा के इनकी रिकवरी करते हैं। तो इनकी भाइयों की रिकवरी कर रहे हैं। ये ना पहाड़ में साइड में गाड़ी बिल्कुल खिसक के नीचे आ गई, तो अभी जाम जुम खुलवा रहे हैं थोड़ा सा, फिर गाड़ियां रोक के फिर अभी थार से रिकवरी करेंगे इसकी। नहीं ओ, 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 रुक जा, पीछे वो है, पीछे दूसरे की गाड़ी है किसी की। तो भाई अपना सोहेल भाई बैठ गया, अब वो करेगा रिकवरी, क्योंकि साहिल थोड़ा सा मतलब सीधा नहीं कर पा रहा था उसको। एक गाड़ी नीचे चली गई है तो कर रहे हैं कोशिश इसको निकालने में, सोहेल भाई अपना निकाल रहा है इसे। बस कर, बस बैक कर दो, बैक कर दो, बैक करो। अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना सारे के सारे। थोड़ा सा धक्का लगाओ आगे से, थोड़ा सा धक्का लगाओ भाई आगे से। मेरी टो चैन लगी हुई है। नहीं खोल दिया ना, खोल दिया लो थोड़ा, अभी खोल दिया, खोल दिया, खोल दिया, सीधा करो। नहीं वरिष्ठ मैंने एक बंदूक रख दी, पट्टा नहीं बांध, पट्टा साइड में बांध लेना करके। तो भाइयों की निकाल दी हमने, अभी आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना। किस नाम से है अभी बताते हैं आपको, थोड़ा पहले गाड़ी निकाल लो, बैक लगाओ, बैक और जल्दी आएंगे अभी, तो अभी ये मान लो भाई से भी आ गए, तो आके चल के भाई से मिलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सुबह से भी। और भाई ये इस ट्रिप पे ना मतलब मजा आ गया, गजब जो अच्छे वाला कहते हैं ना वो ट्रिप रहा, ना कोई मतलब दिक्कत हुई, सभी भाई सेफ हैं और भाई गाड़ियाँ भी सारी सेफ हैं। तो चलो आगे चल के मिलते हैं आप सभी से। अभी ना यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके थे, खाना वाना अपना हो गया, और अपने ना अपने कुरुक्षेत्र के कुछ भाई मिल गए थे, तो अपने आशीष भाई मिल गए। बस बढ़िया, आप बताओ? बहुत बढ़िया मेरे भाई, आप लोग हमारे ब्लॉग्स में दोबारा देखने को मिलेंगे। तो कशिश भाई भी अपने मिले थे, दोनों भाई मिले कुरुक्षेत्र से, और आगे आपको हमारे वीडियोस में भी मिलेंगे। आप लोगों को देख के रुके आपके ग्रुप को, तो आप अब हमारे ग्रुप के मेंबर ही हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो भाई की भाई कुरुक्षेत्र से, अपने भाई हरियाणा से, और भाई ने एलोइस वेलोइस बढ़िया बढ़िया थार बना रखी है भाई, मजा आ गया भाई देख के, दिल खुश हो गया। और भाई को भाई फॉलो कर लेना आशी कक्कड़।
इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। सो गाइस पानीपत पहुंच चुके हैं और साहिल मुझे छोड़ के आ रहा है। सुमित भाई और सोहिल भाई तो कह रहे हैं हमें थोड़ी सी जल्दी हो रही है तो जा रहे हैं दोनों भाई। हाँ थोड़े से तेज है और पानीपत आ गए अब चल रहे हैं। साहिल मुझे जल्दी से घर छोड़ दे ठीक है। ठीक है भाई पहुंचते हैं और भाई व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय हैव अ नाइस डे। रोटी खा लियो। हाँ रोटी खा लेना भाई ध्यान से।